टेम्परेचर को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जो अगर आपको पता है बॉइलिंग स्टेट पर हमें जाना है, टेम्परेचर को वाटर को बॉइल करना है, द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उसी को हमने फ्रीज करना है, हमने उसको लेकर आना है कि लास्ट पॉइंट क्या है उसका, तो डेट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके दरम्यान में हमने उसको मेजर करना होता है। और जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो होता है हमारे पास थर्मोमीटर। लास्टली हीट ट्रांसफर डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन टू थिंग्स कम क्लोज टुगेदर, हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर वन टू द कूलर वन अंटिल दे रीच एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर। अगर हम बात करें यहाँ पर दर्जा हरारत की, तो जब दो चीजें मूव कर रही होती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, क्लोज आती हैं, तो हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी किसी भी हॉटर से कूलर की तरफ। कोई भी गर्म चीज है तो उससे हरारत ने आगे जाना है किसी भी ठंडी चीज की तरफ, यानी डेट मूव फ्रॉम द हॉटर टू कूलर वन अंटिल द रीच एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर, जहां तक कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वहां तक पहुंच जाए। अच्छा, आप इसको एक एक्सपेरिमेंट अपने खुद भी कर सकते हैं हीट के ट्रांसफर के हिसाब से। जैसे मैं कहूँ कि पुट एन आइस क्यूब इन योर माउथ, रख सकते हैं एक बर्फ का टुकड़ा ले, उसको अपने मुंह के अंदर रखें, रख लिया आपने, क्या होगा, आफ्टर अ व्हाइल द आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट, पिघलना शुरू करेगी ना। आप खाते भी होंगे आइस को, खाते भी होंगे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे शौकीन होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बच्चे खाते भी हैं। तो अच्छा, अगर हम नॉर्मल बात करें तो बर्फ के जो गोले होते हैं वो भी आप खाते हैं, तो वो क्या होता है, जब आपके मुंह के अंदर जाएगी बर्फ तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये आपको पता है कैसे वर्क करेगी, क्यों वर्क करेगी, इट इज बिकॉज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम योर माउथ टू द आइस क्यूब। आपको पता है ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो लेकिन आइस का इतना नहीं होता, आइस तो बनने का शुरू होती है 0 डिग्री पे। तो जैसे ही आप उसको आइस क्यूब को अपने मुंह में रखें, या आपने कोई, अभी मैंने एग्जाम्पल दी वो गोला बर्फ का जिसको हम कहते हैं, उसको अपने मुंह में रखेंगे माउथ के अंदर, तो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा तो आपको पता चलेगा वो मतलब बिल्कुल एट अ टाइम वो बिल्कुल वाटर बन जाएगा। और होता क्यों है, द रीजन बिहाइंड दिस इज टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर दर्जा हरारत है। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड हियर, वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।